गर्लफ्रेंड कैसे बनाए उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। एक लड़के का फोन मुझे आया कुछ दिन पहले और उसका कहना था कि उसको बहुत डिप्रेस लग रहा है, उसको अकेलापन महसूस होता है, उसको उसके साथ पर लड़के चिढ़ाते हैं कि भाई तू कोई लड़की से बात नहीं करता, तेरा आगे चल के कैसा होगा, तू लड़की है क्या, तू छक्का है क्या, मतलब ऐसे लोग चढ़ाते रहते हैं। उसको इच्छा होती है कि नहीं अपने गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए, मगर उसकी हिम्मत होती नहीं, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आंखों में आंख डाल के बातचीत नहीं करता है और फिर उसको डिप्रेशन आ रहा है। तो मैं आपसे काउंसिलिंग लेने के आ रहा हूँ कि भाई मुझे गर्लफ्रेंड बनाना है तो कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे कोई बताता नहीं है। मतलब ठीक है बातचीत करते हैं, तो जब बातचीत करने लगे तो उसको कुछ चर्चा में कुछ जो पॉइंट्स आ गए उसके बारे में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अभी। तो उसको जो बता रहा था मैं, एक तो ऐसा है कि मैंने बोला कुछ लड़कियाँ ऐसी रहती है कि जो पैसा चाहती है, कि कोई लड़का उनके लिए कोई पैसा खर्चा करने वाला होगा, उनको सिम देगा, मोबाइल देगा, उनके लिए कुछ गिफ्ट लाएगा, उनको घुमाने ले जाएगा, या जो लड़के के पास में बाइक होंगी, जो लड़के के पास में ऐसा दिखता है कि उसमें चेन है, अंगूठी है, जरा अच्छा घर के लड़का है, मतलब उसको पैसे से प्यार रहता है ऐसी लड़कियां, तो भाई ऐसे से आपको संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि वो सिर्फ पैसे के लिए आपके पास में आ रही है, दोस्ती कर रही है। तो एक वो देखो, उसको तो क्या है कि कोई उसके ऊपर खर्चा करने वाला ना, पिक्चर लेके जाएगा, आइसक्रीम खाने के लिए लेके जाएगा, मतलब ऐसा कोई फास्ट फूड के लिए लेके जाएगा, रोज उसको खर्चा करने वाला लड़का रहा तो खर्चा करने में और खर्चा करवाने में उसको मजा आती है, वो एंजॉय करती है। एक है, दूसरी है कुछ लड़कियां ऐसी होती कि उनको जरूरत रहती है, एक साइकोलॉजिकली साइकोलॉजी जरूरत रहती कि उनको ऐसा कोई तो भी सिक्योरिटी के लिए चाहिए, कोई तो भी अपने को मदद करने वाला है और कोई अपने काम में आ जाएगा, तो उनको एक सिक्योरिटी चाहिए रहती है, उनको अकेला इनसिक्योर लगता है, उनको हो सकता है कि उनको भाई नहीं रहता है, और जब भाई नहीं रहता है, लड़कियां घर में रहती है, घर के लोग जो है समझो पिताजी थोड़े प्राउड है या मतलब बुजुर्ग हो गए, तो उसको लगता है कि कोई ना कोई अपने को एक सपोर्टिव होना, तो वो लड़कियां दोस्तों से प्यार करती है, उनको सपोर्ट चाहिए रहता है। फिर तीसरी टाइप की लड़कियां जो होती है वो होती है शारीरिक सुख के लिए वो लड़कों के साथ में आते रहती है, उनको इंटरेस्ट रहता है सेक्स में और काफी सारे दोस्त उन्होंने पकड़े रहते छोड़े रहते हैं, उसमें से कुछ निम्फोमैनिक रहती है और उनको सेक्स में ही मजा आती है और सेक्स के लिए वो लड़कों के साथ में रहती है और वो फ्रीली मतलब सेक्स में उसको कुछ लगता नहीं है, तो उसको निम्फोमैनिया करके एक बीमारी हो सकती है, या बीमारी नहीं होंगी तभी उसको मजा आता है और वो काफ़ी सारे बॉयफ्रेंड्स बदलते रहती है, स्विच होते रहती है इधर से उधर, तो उनसे भी हमने जरा संभल के रहना चाहिए क्योंकि आज वो है और कल नहीं है। कुछ लोग ऐसे रहती है कुछ लड़कियां कि वो चंचल रहती है, चंचल मतलब है कि उनको एक जगह टिकती नहीं हो, आज कभी इधर तो परसों उधर, तो कोई किसने बोल दिया चलो तो उधर चले जाएंगे, मतलब ऐसा उनका कोई लगन किसके साथ में रहती नहीं है, दोस्ती रहती नहीं है, उनको ऐसे फ्लड करते रहती है वो, और जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो, ऐसा बहुत कुछ इमोशनली भी अटैच वो रहती नहीं है। कुछ लड़कियां जो होती है वो प्यार करने वाली होती है एक्चुअली, और प्यार करने वाली मतलब वो केयर करेंगी, आपके बारे में पूछेंगी, वो कुछ लेंगी तो देंगी भी, मतलब उसको चाहत भी है कि अपने को कोई सपोर्ट करे वो भी सपोर्ट करेगी, काफ़ी मैच्योर रहती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, चिल्लाना, चिखना ऐसे बहुत बैलेंस रहती है, और ये लड़कियां ऐसे मिलने के लिए बहुत कठिन होती है क्योंकि ऐसा बैलेंस व्यक्तिमत्व जो है और ये उम्र में मिलना ऐसा कठिन होता है। तो जब मैं उसको बोल रहा था लड़के को, फिर आपको ये सब ख्याल में देखते हुए कोई किसके साथ में दोस्ती करना है तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि लोग चिढ़ाते हैं करके आपने अभी कोई भी लड़की मिल गई दोस्ती कर रहे हैं, क्योंकि आपको इसमें से अभी जो मैंने वर्णन किया इसमें से कोई आपको फंस गई मतलब आप फंस गए उसके साथ में तो फजूल पैसा खर्चा हो जाएगा, कल वो लात मार के निकल जाएगी। तो बोले अभी मैंने क्या करना चाहिए, मैंने बोला भाई आपको आंखों में आंख डाल के बात करनी चाहिए, कोई लड़की आती है तो अच्छा ड्रेस पहनना चाहिए, फिर उसको ऐसी बॉडी वगैरह अच्छी रहती है, लड़कियों को अच्छा लगता है कि बॉडी है उसकी अच्छी भाई, या आपके पास में मतलब अंगूठी है, गले में चेन है तो उसको लगता है कि हाँ भाई पैसे वाला है, बाइक है तो उसको लगता है कि हाँ ठीक है भाई ये ठीक लगता है, मतलब अच्छा भी लगता है घर का है। तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लड़की को घर में कौन कौन है, मतलब कुछ लड़कियां ऐसी थी कि घर में कुछ ये रहता नहीं है, माँ बाप का सहारा नहीं है या कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, तो फिर वो मजबूरी से आपके साथ में आ रही क्या, तो वो भी आप देख रहे, तो उसका भी देखना पड़ेगा कि आप
उसको लेके चलेंगे तो वो तो हाँ जाएंगे, अपना कितना नुकसान होगा उसमें। फिर उसका पूर्व इतिहास क्या है लड़की का, कि भाई उसने पहले कितने बॉयफ्रेंड छोड़े हुए हैं, कोई उसका ब्रेकअप हुआ है क्या, उसके लिए जिम्मेदार कौन था, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो जब मैंने उसके साथ में पूरा चित्र वर्णन कर लिया तो बोले ठीक है, मुझे भी समझ में आ गया। मैं काफ़ी ऐसा अकेला रहने वाला लड़का हूँ, बहुत ज़्यादा मैं लड़कियों से बात नहीं करता, मुझे सिस्टर भी नहीं है। तो फिर अभी मुझे समझ में आया कि भाई ऐसा मैं करता हूँ तो कम से कम मुझे कोई ना कोई गर्लफ्रेंड मिल सकती है। फिर मैंने उसको ये बोला कि भाई गर्लफ्रेंड मिलाना है या अपने दोस्त चिढ़ारे करके मत गर्लफ्रेंड करो, मतलब वो क्या हो गया, मजबूरी हो गई, वो कुछ भी उसमें मजबूरी में आप कहीं भी फंस जाओगे, कुछ भी करोगे। तो ऐसा ना करते हुए अपने इमोशंस को मिलती जुलती, अपने को समझने वाली, आप उसको समझने वाले, और एक बैलेंस्ड लड़की वो देखो, और फिर उसके साथ में फिर आप फ्रेंडशिप कर सकते हो। तो बोले ठीक है, मुझे बहुत सारा समझ में आ गया, और अभी मैं इसके बारे में और मैं चर्चा करूँगा, सोचूंगा, और फिर आपके पास मैं वापस आऊँगा। तो ऐसा बोल के वो निकल गया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ताकि आपको रोज़ नए नए वीडियो ऐसे मिलते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।